हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोकेशिया, आपका फिजिक्स मेंटर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस की फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था गाइस। कौन सा चैप्टर था वो देख लीजिए। लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे हम, वो था चैप्टर नंबर 3, काइनामैटिक्स और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके थे, काफी कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मोशन पर डिस्कशन किया था। अब हम हमारे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे, जो कि होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बारीकियों को समझेंगे गाइस। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसकी सेशन को। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, देखिए डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इन होल जर्नी। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इन होल जर्नी। क्लियर। पूरी जर्नी में जो आप पाथ कवर कर रहे हैं, उस पाथ की जो लेंथ होती है, उसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं गाइस। ध्यान रखने वाली बात यही है। क्लियर। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है और फिर बी पॉइंट से जाकर के सी पॉइंट पे अपनी जर्नी एंड करता है। कोई ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है और बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाकर के अपना मोशन एंड कर रहा है, तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 4 मीटर + 3 मीटर विच इज इक्वल टू 7 मीटर। सिंपल। जिस पाथ को आप फॉलो करके अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं गाइस, उस पाथ की जो लेंथ होगी टोटल, वही लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, डिस्टेंस कवर्ड। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम बात करेंगे। ये कैसी क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसके रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। It is only positive in sign. ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। It cannot be negative or zero. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में या जीरो में नहीं आएगी आपके पास। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कोई पाथ कवर किया है, ठीक है, जर्नी है अंदर, तो वो पाथ हमेशा पॉजिटिव में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होगा। ना तो वो जीरो हो सकता है, ना ही वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए काइनेमेटिक्स के केस में, मैकेनिक्स के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, डायरेक्शन शो करने के लिए या डायरेक्शन असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए डिस्टेंस आपका ना तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट होगा, ना ही जीरो में। जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो सिर्फ उसी केस में होगा जहां पर ऑब्जेक्ट ने क्या किया होगा, जहां पर ऑब्जेक्ट ने चला ही नहीं होगा, पोजीशन चेंज ही नहीं की होगी अपनी। इज इट क्लियर। तो डिस्टेंस इज नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट,
एस आई यूनिट क्या हो जाएगी गाइस, आप जानते हैं मीटर, क्योंकि लेंथ है, लेंथ की एस आई यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, इट इज क्लियर। तो ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव साइन में ही होगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, और ऐसा यूनिट होगी इसकी मीटर और सेंटीमीटर। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या डिस्टेंस एंड डिस्टेंस की कंसिडरेशन क्लियर है आपको? चलो तो ये बात हो गई डिस्टेंस की, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही चीज है। नहीं बेटा, एक चीज नहीं है, ये डिफरेंट है। क्या है डिस्प्लेसमेंट? क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी या ऑफ द जर्नी, सॉरी नॉट बॉडी, ऑफ द जर्नी। क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी। मिनिमम इनिशियल मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मिनिमम डिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचना है, ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचना है, इसके पास में तीन रास्ते हैं, ठीक है, रास्ता नंबर एक, रास्ता नंबर दो और रास्ता नंबर तीन। क्लियर? अगर ये एक से आता है, दो से आता है या तीन से आता है, क्लियर? तो यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस यहां पर अगर ए से बी तक आने में सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कौन से पाथ पर कवर होगा, क्या इस पाथ की लेंथ सबसे ज्यादा होगी? डिस्टेंस नंबर थ्री इज ग्रेटर देन डिस्टेंस नंबर टू, इज ग्रेटर देन डिस्टेंस नंबर वन। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो ए से बी तक पहुंचने में तीनों डिस्टेंसेस, ए से बी तक पहुंचने में तीनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, और थर्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सेकंड उसके बाद सबसे बड़ी और फर्स्ट सबसे लास्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी वो कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ पाथ वन। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा गाइस, वो इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ पाथ वन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाथ वन जो है वो क्या है? इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द जर्नी। आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन आपकी ए है जर्नी की, फाइनल पोजीशन आपकी बी है, तो उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको मिनिमम डिस्टेंस ही देखना है, मिनिमम डिस्टेंस कंसिडर करना है। आपका मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहे पाथ वन से आ रहा हो, चाहे पाथ टू से आ रहा हो, चाहे पाथ थ्री से आ रहा हो, ठीक है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होगा। तो मान लीजिए तीन ऑब्जेक्ट्स ही है, वन टू थ्री, तीन अलग अलग बॉडीज है ये आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट of object 1 is equal to displacement of object 2 is equal to displacement of object 3। ये समझ में आई बात? तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट या तीन अलग अलग बॉडीज तीन अलग अलग पाथ को कवर करेंगे तो उनके डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि तीनों के लिए ही इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन सेम है। तीनों अपनी मोशन की जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? ए पॉइंट से, और कहां पर एंड कर रहे हैं? वो पॉइंट है आपका बी पॉइंट। मोशन की जर्नी स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से और एंड हो रहा है बी पॉइंट पर। बोलिए, बात समझ में आएगी क्या? जर्नी स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से, एंड हो रही है बी पॉइंट पर। क्लियर है सभी को? ठीक है, इस कारण से देखिए डिस्टेंस जो है वो तो पाथ की लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तीनों का सेम होगा, वन सेकंड थर्ड। इट इज क्लियर?
आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बेटा एक डेफिनेशन और होती है, डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन और होती है, क्या होती है मैं लिख देता हूं यहां पर। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोजिशन वेक्टर। चेंज इन पोजिशन वेक्टर को भी हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे, आइए देखते हैं, क्योंकि अभी हम वन डायमेंशन मोशन की ही स्टडी कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे हैं आपको इन मीटर, किसमें, मीटर में। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली आपका कहां पर है, इनिशियली यहां है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन किसी बॉडी की यहां है और कुछ देर बाद में फाइनल पोजीशन बॉडी की कहां जाती है, यहां आ जाती है। फाइनल पोजीशन बॉडी की कहां जाती है, यहां आ जाती है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं डेल्टा आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मैं अभी पॉइंट्स लिखवा दूंगा आपको, ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा आर वेक्टर। और इसको बोलते हैं आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। वेक्टर हमेशा साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रीट किया जाता है। तो देखिए फाइनल वेक्टर आपका ये ओरिजिन है, ओरिजिन से फाइनल वेक्टर कितना दूर है, 5 मीटर। इनिशियल वेक्टर आपका कहां है, 0 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 5 मीटर ही आएगा। कैसे आएगा, पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा। डिस्प्लेसमेंट कहां आएगा, पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, क्लियर है। और देखिए अगर सपोज करें इस तरह से, ओरिजिन के उस साइड वाले जो डायरेक्शन होगी वो तो नेगेटिव होगी। सपोज कीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, फिर ये ऑब्जेक्ट यहां आया 5 पर, ठीक है, मिडल पोजीशन, उसके बाद में मतलब पहले यहां आया 1 से 5 पर और फिर 5 से क्या कर गया, मूव कर गया और जाकर के रुक जाता है ये फाइनल पोजीशन -3 पर। बात समझ रहे हो आप, क्लियर क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। वो 1 से चल रहा है 5 पर जा रहा है और 5 से मुड़ करके वापस कहां आ रहा है, -3 पर जा रहा है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो वो हो जाती है डेल्टा आर वेक्टर, विच इज आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ध्यान रखिएगा इस एक्सप्रेशन को, फॉर्मूले को, बहुत ज्यादा हेल्पफुल काम आता है ये, ठीक है। तो देखिए डेल्टा आर वेक्टर, आर टू क्या है आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना दूर है फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये है आपका -3, कहां है बेटा -3। माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था आपका, +1। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था, +1। देख रहे हैं, जो प्लस एक्सिस में होगा वो प्लस में लेंगे, जो माइनस एक्सिस के अलोंग होगा उसको माइनस में लेंगे। तो अगर डेल्टा आर की बात की जाए यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, -3 -1 विच इज इक्वल टू -4 मीटर। कितना आ जाएगा, देखिए -4 मीटर। भले ही ये यहां से घूम करके वहां तक गया हो लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी -4 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं पहले केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे आया है पॉजिटिव, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे आया है नेगेटिव। थर्ड केस में एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पर अगर
सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है, घूमता है और ऐसे घूम करके वापस यहां आकर के अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है, सपोज कीजिए, तो उसका इनिशियल पॉइंट भी यही और फाइनल पॉइंट भी यही, ठीक है ना, यही से स्टार्ट हुआ है, चला है ऐसे 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 और वापस कहां आ गया, यहां पर आ गया। तो अगर अब इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर कंसिडर करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, प्लस का आर टू, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी क्या है यहां पर, प्लस का आर टू। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है, जीरो आएगा। अगर एक ही पॉइंट से शुरू होकर के वापस उसी पॉइंट पर कम बैक कर रहा है पार्टिकल, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा गाइस, चेंज इन पोजीशन वेक्टर आपका जीरो हो जाएगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, जीरो। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और एज वेल एज जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो ये एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर हम क्या बोलेंगे, डिसप्लेसमेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, पॉइंट्स तो लिख सकते हैं, डिसप्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। Hence, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। Hence, displacement is a vector, physical quantity. Displacement क्या हो जाएगा बेटा? Displacement is nothing but a vector, physical quantity. I hope सभी को समझ में आया होगा ये चीज। Displacement is nothing but a vector, physical क्वांटिटी, ओके, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसकी भी होगी मीटर, सीजीएस यूनिट इसकी भी होगी सेंटीमीटर। तो देखिए, यूनिट सेम होने का मतलब नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म सेम हो, दोनों टर्म्स डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट Either be less than or equal to distance covered, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए distance और displacement equal कब होते हैं, distance is equal to displacement, ये कब हो सकते हैं, only in motion इन वन डायमेंशन। जब ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा हो, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा हो, इसके अलावा किसी भी मोशन में, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो डिस्टेंस से छोटी हो सकती है हमेशा, ठीक है, किसी जर्नी में, या फिर उसके इक्वल हो सकती है, बड़ी कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा बेटा, बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। इट इज क्लियर? ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। आई होप आपको ये दोनों का जो कंफ्यूजन था आज से पहले वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन पर बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स की जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के कंफ्यूजन को और क्लियर आउट कर देंगी। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ठीक है, बी एट होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।